आगरा में 4 साल की बच्ची की आंखों की रोशनी लौटाने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग की टीम ने सराहनीय कार्य किया है। बच्ची के होंठ से झिल्ली की परत लेकर आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग सर्जरी की गई। प्रदेश में इस तरह की सर्जरी का पहला मामला होने का दावा किया गया है। आगरा में 4 साल की बच्ची की आंखों की रोशनी लौटाने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग की टीम ने सराहनीय कार्य किया। बच्ची के होंठ से झिल्ली की परत लेकर आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग सर्जरी की। प्रदेश में इस तरह की सर्जरी का पहला मामला होने का दावा किया गया है। बच्ची की आंखों की रोशनी लौटने की उम्मीद जताई गई है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन हमने किया है। एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आँखें ड्रग रिएक्शन की वजह से या उनके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी आपकी बॉडी पे रिएक्शन हो सकता है, मतलब पूरे शरीर पे छाले ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। और अगर उस दौरान आपकी आँखें या आपका मुंह का म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो तो आपको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। यूजुअली गांव में कंसल्ट नहीं कर पाते हैं और उसको माता समझ के ट्रीट करते रहते हैं। पेशेंट घर में ही रहता है और उस कंडीशन में आंखें अक्सर चिपक जाती हैं। तो ये पेशेंट हमारे पास बहुत लेट आते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं, उनकी बाकी बीमारी जब ठीक हो जाती है तब आते हैं, और तब तक आंखें पूरी ख़राब हो चुकी होती हैं। तो ऐसे ही ये बच्ची हमारे पास आई थी, 4 साल की है, और इसको गाँव में फीवर आया और वहाँ पर कोई दवा इसने ली जो फादर ने हमें बताया, उसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी पे रिएक्शन हुआ। इन्होंने समझा माता निकली है, कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, घर में ही रखा। 3 महीने के बाद ये हमारे पास आए हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में कार्निया एंड ऑक्यूलर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली मजूमदार ने बताया कि फिरोजाबाद के गांव करारे अबोगढ़ निवासी निरसाद की 4 वर्ष की बेटी तान्या की आंखें चिपक गई थी। उसे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। परिवारी जनों ने पूछताछ में बताया कि 3 माह पहले बुखार आने पर तान्या को गांव में दवा दिलवाई गई थी। झोला छाप की दवा से उसके शरीर पर फफोले पड़ गए और आंखें चिपक गई। चिकन पॉक्स मानकर इलाज नहीं कराया गया, इससे बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई। दोनों आईज पूरी तरह से चिपकी हुई थी, तो अगर हम आईज को खोलेंगे तो हमें कोई मेम्ब्रेन चाहिए। सपोज एक आंख हमारी खराब होती है तो हम दूसरी आंख से मेम्ब्रेन लेके लगा लेते हैं। अगर दोनों आंखें पूरी तरह चिपक गई हैं तो हमें मेम्ब्रेन लेने के लिए इसके होंठ हमने देखे, क्योंकि 3 महीने हो गए थे तो अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक हो गया था। शुरुआत में जो उन्होंने हमें पिक्चर्स दिखाई उसमें मुंह भी सारा का सारा छाले ब्लिस्टर्स थे। तो अभी म्यूकस मेम्ब्रेन हमने इसके नीचे वाले होंठ से लिया है और एक आँख में ऊपर और नीचे की दोनों लिड्स में हमने लगाया है, दूसरी आँख में हमने एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगाया है। तो अभी इस तरह से हमने इस बच्चे की आंखों को बचाया है। अभी इसमें 1-2 सर्जरीज हमें और करनी पड़ेगी ताकि हम इस बच्चे का विजन रिगेन कर सकें। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जांच कराई गई, पता चला कि दवा के रिएक्शन से बच्ची की स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम हुआ, रोशनी चली गई और आंख के अंदर की परतें चिपक गई। ऐसे मामले में म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग की जाती है। मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में तान्या की सर्जरी 4 घंटे तक हुई। टीम में डॉक्टर शेफाली मजूमदार के साथ एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर सुप्रिया, रेजिडेंट डॉक्टर मुकेश प्रकाश, रवि मथुर, आलोक गंगवार, दीपिका डैनियल, महेंद्र और रवि शामिल रहे। डॉक्टर शेफाली ने दावा किया कि प्रदेश में इस तरह की सर्जरी का यह पहला मामला है। उम्मीद है कि जल्द ही बच्ची के आंखों की रोशनी आ जाएगी। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।